मिल जाएंगे सडनली, बट जस्ट हैपन देयर, जैसे कि अपने का वक्त बदलते देर नहीं लगती, टीम सोल इज लुकिंग गुड, गॉड लाइक ऑन द बैक फुट, क्योंकि दो प्लेयर खत्म कर दिए गए और रेकनिंग भी यहां पे काफी करीब आ चुका है। लोअर ग्राउंड पे है टीम सोल, पोजीशन होल्ड करना बहुत जरूरी है उनके लिए, बट वाइपर ने जो दो फिनिशर्स निकाले टीम गॉड लाइक के ऊपर, दोज वर वैल्यूएबल फॉर टीम सोल। एरिया क्लियर कर जाएंगे अगर, तो इस थर्ड पार्टी में काफी ज्यादा फायदा टीम सोल अपने लिए ढूंढ सकती है, डिपेंड करता है इस स्प्रे पे। अगर यहां से नॉक निकल जाए, अगर स्काउट अपने स्प्रे से मिस्टर स्प्रे को डाउन कर जाते तो मौका बन जाता, बट अब एक ग्रेनेड आता है किसके पास, द मैन विद द गोल्डन आर्म, लेट्स सी कैन एक्सेस गॉट हैपन और नॉट, आई से नो, बट यहां पर आई थिंक क्लच गॉट के ग्रेनेड ने पहले वहां पर दो प्लेयर्स को नॉक कर दिया और उन्हीं दो प्लेयर्स की तरफ से, मतलब ग्रेनेड्स की क्या रेस चल रही है क्लच गॉट और मवी के बीच में कि पहले कौन थ्रो करेगा, बिकॉज मेरे हिसाब से दोनों के ग्रेनेड बिल्कुल ठीक जगह जा रहे थे, बट अगर दोनों के ठीक जगह जाते तो शायद नॉक और फिनिश अलग अलग नाम से हो सकता था, तो कह सकते हैं कि शायद मवी का जो ग्रेनेड था वो उतना बढ़िया कनेक्शन नहीं भी ढूंढ पाया। बट आपका सवाल था कि ऊपर कैसे जाएंगे, ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा, लोअर ग्राउंड से है, तो ये लीजिए आप निकाल लीजिए ग्रेनेड से नॉकआउट, भाई पर यहां पर प्लेयर को वाइप आउट कर दे रहे हैं। देखिए मेरा सवाल कुछ और था, मेरा कहना यही था कि यहाँ पे ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दो टीमें ऊपर हैं और अगर आप ऊपर में जाओगे कंपाउंड छोड़ के तो फंसोगे, और वही हुआ, स्काउट यहाँ पे फंसते हुए नजर आए, पीछे से थर्ड पार्टी स्प्रेज, मार्कोस गेमिंग को एक फिनिश मिलती नजर आई हमें वहां पे। सोल वाइपर आपको मिलता है सिंगल टास्क के साथ ही, तीन फिनिश पॉइंट्स है टीम सोल के पास और तीनों के तीनों वाइपर के पास है, और कोई भी क्लोज रेंज एक्शन में अभी तक वाइपर इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। वो फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल विद दैट कार 98 आइकॉनिक, अरे वाह बहुत ही बढ़िया ये स्किन भी और स्टाइल में, यहां पर ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स अभी के लिए अपने एक्शन में इन्वॉल्व, बट वाइपर इज लुकिंग गुड। स्काउट की कैजुअलिटी टीम सोल को थोड़ा सा यहां पर पीछे जरूर से धकेल देगी, बट मैं चाहूंगा कि यहां से एक अग्रेसिव स्टांस के साथ टीम सोल ऊपर जाए, ऊपर बैठी टीम गॉट लाइक को एक अच्छा चैलेंज दे और दिखाए कि यहां पर लोअर ग्राउंड से ऊपर जाने के बाद जो चैलेंज निकल कर आता है वो भी अपने फेवर में बदलाया जा सकता है। पीछे से मार्कोस गेमिंग की टीम भी हल्का फुल्का परेशान कर रही है, सो ये एक यू नो और एक्स्ट्रा रीजन मिल सकता है जहां पर ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है, एंड दिस प्रूव्स व्हाट स्पीरो सेड इन अ सेगमेंट। Absolutely, Soul Mortal holding on his own. M16 यहाँ पे चला रहे हैं, काफी अच्छी तरह यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं विजगॉड को, बट जो रिज ग्लिच है वहां से प्लेयर तो दिख रहा है बट उसको डैमेज यहाँ पे नहीं पड़ रहा। देखिए वेट कर रहे हैं, जैसे ही हल्का सा सिर ऊपर निकालेंगे यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश करेंगे, वेट करें कैसे मैच तब्दील किया जा सकता है अभी करंट सिनेरियो में, अक्षत अपनी मैच, बट अकॉर्डिंग टू दैट फिनिश स्पीड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द सिनेरियो एंड द जर्नी केम टू एन एंड बिकॉज़ क्लच गॉड हैड द लास्ट लव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग माइट बी द ग्रेनेड, नो इट डजंट बिकॉज़ इट्स द M4 ऑफ दिस प्लेयर द IGL, goat like clutch god having the last laugh with 4 finish points and team soul is eliminated. Wow, what just happened there? I mean, seriously saying, दो ही प्लेयर बचे थे यहाँ पे अगर बात की जाए टीम गॉडलाइक के, बट मेरे ख्याल से वहाँ पे जो पहला नॉक निकाला था मवी के ऊपर वो एक ओपनिंग थी, वो एक इनविटेशन था जो गॉडलाइक ने बिल्कुल यहाँ पे कबूल किया और सीधा रश करते आपको नजर आए। देखिए अभी भी अगर आप गॉडलाइक की स्ट्रैटेजी देखें, रश किसने किया, एक प्लेयर ने, और वो प्लेयर थे जोनाथन। बैकअप किसने दिया, क्लच गॉड ने, वो कहाँ पे थे, वो रिज पे थे। तो अभी भी ये देखिए स्प्लिट होने का जो जिगरा दिखाया है, जो गट्स दिखाए हैं, वो कमाल के। आई मीन यू जस्ट हैव टू प्लेयर्स एंड यू आर रशिंग ऑन अ कंपाउंड with only one player and one player is giving backup. Wow, that's just wow coming in from godlike.